आज हमारे पास है लेमा 23.3। ठीक है, हम लोग कनेक्टेड स्पेसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को स्टार्ट में बताता चलूं कि अगर आप लोगों को हमारे टोपोलॉजी से रिलेटेड कोई भी लेक्चर चाहिए हो तो आप लोग हमारे चैनल कॉमसियन मैथ एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसकी प्ले लिस्ट में जाके टोपोलॉजी के कोर्स में सारी की सारी वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसमें और भी कुछ कोर्सेज हैं शामिल। ठीक है, आपको जो कोर्स देखना हो आप लोग उसके रिलेटेड लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग आज लेक्चर लेमा 23.3 करने लगे हैं। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द यूनियन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सबस्पेसेस ऑफ एक्स, के एक्स के ऊपर जितने भी आपके पास कनेक्टेड सबस्पेसेस हैं, ठीक है, जितनी भी 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं या 100 हैं, जितनी भी हैं, तो आपने कुछ स्पेसेस ली। अब द यूनियन ऑफ द कलेक्शन, ठीक है, आपने अगर 10 की कलेक्शन ली है तो उन 10 की 10 कनेक्टेड स्पेसेस का जो यूनियन होगा दैट हैव अ कॉमन पॉइंट। देख, ठीक है, उन सब में अब देखो जो 10 अगर आपने लिए हैं तो 10 में 10 की 10 में एक पॉइंट ऐसा लाजमी होगा जो सब में मौजूद होगा। अगर आपने 20 लिए हैं तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो 20 की 20 कनेक्टेड स्पेसेस में मौजूद होगा। तो वो कहता है अगर ऐसी स्पेसेस ऐसी कनेक्टेड सब स्पेसेस जो जिनके एक पॉइंट कॉमन हो वो आपके पास, उनकी यूनियन क्या होती है, एक्चुअली कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब आप लोगों को स्टेटमेंट समझ आ गई कि हम लोगों ने एक कलेक्शन लेनी है पहले कनेक्टेड सेट्स की, फिर उसकी यूनियन लेनी है, और हमें इस बात का पता है कि हाँ ये जो सारी की सारी कनेक्टेड स्पेसेस हैं इन सब में एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो हमें शो ये करना होगा कि इनकी जो यूनियन है वो क्या होगी, कनेक्टेड होगी। ठीक है, कनेक्टेड होने का मतलब हमें पता है कि उसकी सेपरेशन नहीं है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट, पहले हमें क्या चाहिए, एक कलेक्शन चाहिए ना, किसकी, कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सब स्पेसेस। सो लेट ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडेक्स आई। ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू आई, सेट ऑफ इंडेक्स। लेट ए ऑफ अल्फा बी अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सबस्पेसेस ऑफ एक्स। एंड से हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि क्या होगा, ए किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, कि ये जो सारी की सारी कलेक्शन है उनकी जब यूनियन ले तो वो किसके इक्वल आती है, ए आती है। और हमारे पास गिवन क्या है, एंड और एंड ए ऑफ अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आई हैव अ कॉमन पॉइंट, कि ये जो सारी की सारी कनेक्टेड सब स्पेसेस हैं उनमें क्या है, एक पॉइंट कॉमन है। तो हम लोग से कर लेते हैं वो पॉइंट आपके पास क्या है, पी है। ठीक है, उस पॉइंट का नाम दे लिया पी है। अब देखो अगर वो हर ए अल्फा में मौजूद है इसका मतलब है वो ए में भी मौजूद होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट पी, या फिर आप दैट इज, पहले सबसे पहले मैथमेटिकली इसको लिख लेते हैं क्या मतलब है, कि दैट इज पी बिलोंग्स टू ए ऑफ अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब है पी हर ए अल्फा में, ए अल्फा में मौजूद है और फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। इसका मतलब है हर कनेक्टेड सब स्पेस, ये जो जितनी भी कलेक्शन ली है इसमें जितने भी कनेक्टेड स्पेसेस हैं हर किसी कनेक्टेड स्पेस में ये पी एलिमेंट बिलोंग करता है। सो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो इन सब की कलेक्शन है, यूनियन है,
ठीक है, इस कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड स्पेसेस की जो यूनियन आती है उसको हम लोगों ने सपोज कर लिया वो ए के इक्वल है, तो हमें शो करना है कि ये जो ए है ये आपके पास क्या है, कनेक्टेड, ठीक है, इज कनेक्टेड। We have to show that A is connected. तो हम लोग इसको contradiction method से कर लेते हैं, ठीक है, वो easily हो जाएगा। तो हमें पता है contradiction method क्या होता है, हम लोग contrary suppose कर लेते हैं, on the contrary suppose that A is not connected, कि A connected नहीं है, ठीक है, so that is इसका क्या है? मतलब है कि A A is disconnected, A क्या है? disconnected है, इसका मतलब है कि अगर वो डिसकनेक्टेड है, ए हैज अ, इसका मतलब है कि ए की सेपरेशन मुमकिन है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है, सी यूनियन डी, इसकी ये सेपरेशन है और सेपरेशन का हमें पता होता है कि ये जो दोनों ओपन सेट्स होते हैं ये डिसजॉइंट होते हैं, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन खाली सेट आती है, ठीक है। अब देखिए सिंस पी आपके पास क्या करता है, फॉर ऑल अगर वो सिंस पी बिलोंग्स टू ए ऑफ अल्फा, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, अब देखिए अगर फॉर ऑल ना भी लिखें तो फिर भी वो यूनियन में तो आ ही जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि वो ए पी हर ए अल्फा में बिलोंग करता है, सो दिस इंप्लाइज दैट कि पी आपके पास ए में भी मौजूद होगा, लेकिन ए आपके पास किसके इक्वल है, ए आपके पास सी यूनियन डी के इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज दैट कि अब देखो ये इन दोनों की यूनियन में, ठीक है, इन दोनों की यूनियन में है, तो इसका मतलब है पी आपके पास सी में हो सकता है या फिर वो डी में हो सकता है, तो हम लोग से कर लेते हैं कि वो सी में, से पी बिलोंग्स टू सी। अब देखें पी एलिमेंट किसका था, ए अल्फा का, फॉर ऑल, ठीक है, हर ए अल्फा का ये एलिमेंट था और ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया, सी में, तो ये आपके पास क्या शो करता है, अगर हम लोगों को सबसेट शो करना हो तो कैसे करते हैं, कि यहां पे मैं आपको बताता हूं, अगर ये आपके पास दो सेट्स हैं, अगर मुझे शो करना है कि ए बी का सबसेट हो, तो मैं एक एलिमेंट लूंगा जो ए में बिलोंग करता होगा और उसको मैं एक, ठीक है, लॉजिक्स को यूज करते हुए मैं अगर ये शो कर दूं कि वो बी का एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि एक्स ऑर्बिट रह दिया, इसका मतलब हर एक हर एलिमेंट बी में मौजूद है, तो ये शो करेगा कि ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। इसी तरह मैंने ये देखे शो कर दिया कि ये जो पॉइंट पी लिया था ए अल्फा में से, वो मैंने शो कर दिया सी में मौजूद है, सो ये क्या शो करेगा कि ये जो ए अल्फा होगा वो सबसेट बन जाएगा किसका, सी का। अब देखिए यहाँ पे फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आई था, तो ये वाली कंडीशन भी किसके लिए आएगी, फिर फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडेक्स, ठीक है, सेट ऑफ इंडेक्सेस है, अब देखिए ये सब के लिए है, अगर हर ए अल्फा इसका सबसेट है तो इसकी जो सारी की सारी सारे ए अल्फा की यूनियन होगी वो भी इसका सबसेट होगी, सो दिस इंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स ए अल्फा इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सी। तो अब देखो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ये किसके इक्वल था, ये था एक्चुअली ए के इक्वल,
तो ए किसके इक्वल आ गया आपके पास, सी के। अब देखें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लेमा 23.2 में पढ़ा था, इफ उसकी स्टेटमेंट में बता रहा हूं कि लेट सी एंड डी बी आर सेपरेशन ऑफ वाई एंड वाई बी आर सेपरेशन ऑफ एक्स एंड वाई बी आर कनेक्टेड सबस्पेस ऑफ एक्स देन वाई इंटायरली लाइज इन सी और डी। अगर एक्स कोई स्पेस है जो डिसकोनेक्टेड है और वाई उसकी कनेक्टेड सब स्पेस है, तो देन जो वाई होगा वो या तो सी में लाई करेगा सारे का सारा या तो डी में लाई करेगा। अब यहां पे भी देखें यही चीज है कि ये जो सारे का सारा ए था वो किस में लाई कर गया, सी में, ठीक है। और ये सी एक्चुअली बजाते वो तो क्या थी, एक्स की सेपरेशन थी, ठीक है। ये आपके पास क्या थी, सेपरेशन थी ना, ये की हम लोगों ने सपोज किया था कि ए आपके पास क्या है, हम लोगों ने सपोज क्या किया था कि ए इज इक्वल टू सी यूनियन डी और सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू क्या है, फाइव। अब देखिए जब सारे का सारा ए सी में लाई कर गया है, ठीक है, इन दोनों की यूनियन किसके इक्वल है, ए के, और ए सारे का सारा इसका सबसेट है, तो दिस क्या इंप्लाइज करेगा कि डी आपके पास फिर क्या हो गया, फाइव हो गया। अब देखें जब डी फाइव हो गया तो हम लोगों ने बताया कहा था कि ये दोनों क्या है, सी इंटरसेक्ट सी और डी दोनों नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट्स हैं। देखें सब डिसकनेक्टेड की यही डेफिनेशन है कि सी और डी क्या है, दोनों नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट है, विच इज, सो दिस क्या इंप्लाइज कर रहा है कि आपके पास, विच इज कंट्राडिक्शन, जी हमारे साथ कंट्राडिक्शन कर रहे हैं ना, ये कह रहा है, हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि सी और डी दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, विच इज कंट्राडिक्शन सो दिस क्या इंप्लाइज करेगा कि ए ए आपके पास क्या हो गया, कनेक्टेड। तो हम लोगों ने यही शो करना था कि अगर आपके पास सब स्पेस कनेक्टेड सब स्पेसेस की कलेक्शन मौजूद है जिनमें एक पॉइंट कॉमन है, ठीक है, कम से कम एक पॉइंट कॉमन हो, तो उन सब की जो उस कलेक्शन की यूनियन होगी वो भी आपके पास क्या होगी, कनेक्टेड होगी। तो हम लोगों ने वो शो कर दिया, ठीक है। तो यही हमारा आज का ये लेमा था, ठीक है, ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट लेमा है। अगर आप लोगों को फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कि किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।